फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी करने के एक मामले में ओमैक्स के डायरेक्टर अब पूरी तरह से फंस गए हैं। झज्जर के एडिशनल सेशन कोर्ट ने ओमैक्स के डायरेक्टरों के खिलाफ ट्रायल शुरू करने के आदेश दिए हैं। अब लोअर कोर्ट में आरोपियों पर केस चलेगा और उन पर चार्ज भी फ्रेम किए जाएंगे। दरअसल मामला बहादुरगढ़ का है। बहादुरगढ़ के रहने वाले प्रमोद गुप्ता ने साल 2007 में ओमैक्स के सेल्सिया और दूसरे टावर में फ्लैट बुक कराए थे। साल 2008 तक 6 लाख से ज्यादा की दो किश्तें भी जमा करवाई। जिन टावरों का निर्माण 18 महीने में पूरा किया जाना था, वहां कोई काम शुरू नहीं हुआ। जिसके बाद प्रमोद गुप्ता ने जब प्रबंधन से बात की तो उन्हें बताया गया कि सेल्सिया टावर बनाने की परमिशन कंपनी के पास नहीं है। अपने साथ हुए धोखे के बाद गुप्ता ने 2014 में ओमैक्स डायरेक्टरों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई। मैटर सर, ये मैटर तो चल रहा है 2007 से, जो कि इन्होंने ना सारे झूठे सच्चे नक्शे बना करके, डॉक्यूमेंट बना करके और गलत तरीके से हमें दिखा करके हमारे साथ बड़ा भारी फ्रॉड किया गया और मोटा पैसा लेकर के हमारे से, और फिर बाद में कह दिया कि भाई ये तो हमारे पास परमिशन ही नहीं है और मिली नहीं परमिशन और हम क्या करें। तो हमने काफ़ी इंक्वायरी करी तो पता चला कि इन्होंने हमारे को जो अलॉट किया था दुकान ने, सॉरी फ्लैट जो अलॉट किया था उसकी जगह दुकानें बना करके बेच दी इन्होंने। तो हमने इनसे संपर्क किया तो पता चला कि ये लोग तो बस ब्लैकमेलिंग करने लगे, धमकी देने लगे। तो मैंने इनके खिलाफ़ FIR दर्ज करवा दी। FIR दर्ज करवाने के दौरान, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान, सब चीज़ पता आई, सामने आई। लेकिन कुछ हुआ कि कुछ ऊपर से दबाव डाल करके और इस FIR को कैंसिल करवा दिया गया। अब जब ऊपर से दबाव डाल के FIR किया, हमने ये रिविज़न लगाई सेशन कोर्ट के अंदर। सेशन कोर्ट ने हमारी बातों को सुना, हमारे सबूतों को सुना, इनके भी सबूत देखे गए और हमारे भी सबूत देखे गए। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, हमारे जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन करी और IO ने जो करी, उसके दौरान में एक बड़ा ही भारी एक चीज़ सामने आई, जिससे जो इन्होंने 15.33 एकड़ के अंदर जो इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, ना तो ज़मीन इनके नाम पर है और ना ही वो लाइसेंस इनके नाम पर है। टोटल फ्रॉड है और टोटल फ्रॉड करके इन्होंने बायर से पैसे लिए हैं और कोई भी किसी भी किस्म का कोई इनके पास अथॉरिटी नहीं है कि ये किसी से पैसे ले सकें। और जहाँ तक मैं बताऊँ, मैंने बिल्डर बायर का एग्रीमेंट का एक एक लाइन पढ़ी है, कहीं पर भी ये इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि भी JSM इंटरप्राइजेज या प्रीमियर ओडियल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड इस प्रोजेक्ट के मालिक हैं और हम लोग डेवलपर हैं। जबकि इन्होंने कोर्ट के अंदर हर जगह ये कहा है कि वी आर दी डेवलपर, और डेवलपर का कोई भी एक सबूत भी पेश नहीं कर पाए। लेकिन एज पर लॉ, जो मेरे वकील साहब और मुझे बताते हैं कि भी डेवलपर भी कोई पैसे लेने का डायरेक्ट हकदार नहीं है और ना ही बिल्डर बायर एग्रीमेंट में किसी किस्म का नाम दिया गया है और ना ही ज़मीन इनके नाम पर है, ना ही लाइसेंस इनके नाम पर है। तो ये तो टोटल फ्रॉड कर रहे हैं दुनिया के साथ, और इतने मासूम लोगों को और इतने गरीब लोगों को इन्होंने फंसाया है। तो ये बड़ा ही भारी खुलासा आया है। अब इनके खिलाफ लोअर कोर्ट में ट्रायल चलेगा। अब इनको आकर के या तो जमानत लेनी पड़ेगी, अदरवाइज इनके खिलाफ वारंट काटे जाएंगे। प्रमोद गुप्ता ने बताया कि फ्लैट के नाम पर भी 2,90,000 से ज्यादा की किस्त जमा करवा दी गई थी। 28 मई 2012 को ओमैक्स के साथ बिल्डर बायर एग्रीमेंट भी कर लिया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि जिस जगह गुप्ता को फ्लैट दिया गया है, वहां पहले ही 9 मई 2012 को ओमैक्स दुकानें बनाकर बेच चुका है। अजय शर्मा नाम है मेरा, एडवोकेट अजय शर्मा, एंड आई एम प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली हाई कोर्ट। जी, क्या मामला है ये पूरा? क्या ये जनाब ओमैक्स का मैटर है ये, और हमने रिवीजन लगाई थी झज्जर क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और हमारी अलाउड हो गई। जो FIR कैंसिलेशन की थी ऑफिशियल ऑफ द पुलिस, उसको सेट असाइड कर दिया गया और इस केस को ट्रायल पे ले लिया गया और रिमांड बैक कर दिया गया। सर, ओमैक्स का मैटर था सर, टोटली ये जो केस था फ्रॉड और फोर्जरी पर आधारित था सर ये केस, ये और ऑलरेडी 2008 से लेके हमारी FIR 2014 में हुई थी, लेकिन हमने ये फ्लैट जो है बुक करवाए थे 2007 में, और जब से लेके ये हमारे साथ फ्रॉड ही करते आए थे और हमें धमकी भी दी गई थी। क्लाइंट है मेरे प्रमोद गुप्ता, उनको धमकी दी गई थी कि हम किसी भी तरह से ये समझौता करो। ऑफिशियल ऑफ द पुलिस के ही फ़ोन आए कि जनाब आप इसमें समझौता कर लो, आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। लेकिन ये कानून की लंबी लड़ाई लड़ी गई और माननीय कोर्ट ने हमारे फेवर में इस रिविजन पिटीशन को सर अलाउड किया है, और 20 तारीख को सर हमारे को ये ऑर्डर दिया है।
ओमैक्स प्रबंधकों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप को लेकर प्रमोद गुप्ता ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है। मामले में ओमैक्स लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर निचली अदालत को समन करके ट्रायल चलाने का आदेश जारी किया है। सत्र न्यायालय ने बहादुरगढ़ न्यायालय द्वारा प्रमोद गुप्ता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर रद्द करने के लिए दिए फैसले को निरस्त कर दिया है। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।